हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज मैं बात करने जा रही हूँ नेल आर्ट के बारे में। जी हाँ, कैसे आप घर बैठे ही अपने नेल्स को खूबसूरत बना सकते हो, वो भी बिना किसी खर्चे के और बहुत ज्यादा एफोर्डेबल प्राइस पर। आप इस चीज को घर बैठे ही कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि घर बैठे ही आप अपने नेल्स को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है कि हमें जब नेल्स अपने खूबसूरत बनाने होते हैं ना, तो या तो हमारा बजट नहीं होता है या फिर टाइम नहीं होता है इतना। और बजट की अगर यहाँ पर बात करूं तो काफी बार टीनेजर्स के पास भी इतनी ज्यादा पॉकेट मनी नहीं मिलती है उन्हें कि वो 2000-3000 रुपए सिर्फ नेल्स के लिए खर्च करें। तो ऐसे में मैं आज आपके लिए एक बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल एक ट्रिक लेकर आई हूं, जिससे आप घर बैठे ही नेल एक्सटेंशन का मजा ले सकते हैं और खुद भी कर सकते हो, या फिर आप इसमें किसी की हेल्प लेना चाहते हो तो हेल्प भी ले सकते हो, अपनी किसी फ्रेंड वगैरह की या अपनी मदर की, सिस्टर की, किसी की भी। अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो मैं नेल एक्सटेंशन नहीं करवा सकती, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत ज्यादा कॉस्टली लगते हैं इसके प्राइस, क्योंकि अलग अलग एरिया में सबके प्राइस अलग अलग होते हैं और अलग अलग शहरों में अलग अलग प्राइस होते हैं। तो काफी बार ऐसा भी होता है कि बजट में नहीं फिट बैठता आपके, और या फिर पॉसिबल ही नहीं होता है करवाना, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे बच्चों को संभालना होता है, घर को संभालना है, हस्बैंड को देखना, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में नेल एक्सटेंशन करवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करती हूं, जब कभी कहीं बाहर जाना होता है या पार्टी वगैरह में जाना होता है, तो मैं घर पर ही अपने नेल्स को खूबसूरत बना लेती हूं। और आज यही ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं, जिसका मजा आप भी ले सकते हो घर बैठे बैठे और खुद भी बना सकते हो अपने नेल्स को खूबसूरत। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। यहां पर आप इस वक्त मेरे हाथ में देख सकते हो, ये क्यूट सा सैशे है, इसमें आपको नेल्स नजर आ रहे होंगे और इस पर एक पिक भी बनी हुई है नेल्स की, और इसमें ये नेल्स हैं, एक ग्लू भी आपको इसमें साथ में मिल जाती है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, कि यहां पर आपको ये जो सेशन दिख रहा है, ये मैंने 10 रुपीज के प्राइस में लिया था, और अलग अलग एरिया में अलग अलग मार्केट में इसके हो सकता है अलग अलग प्राइस हो, क्योंकि वैसे आपको इसमें पैकेट भी मिल जाएगा, काफी बड़ा पैकेट मिल जाता है। उस पैकेट में आपको 48 सेट मिल जाता है इस तरह के सैशे का, नेल्स का, तो आपको 48 या फिर 50 के सेट भी मिल जाएंगे 100 रुपीज या 60-70 रुपीज के प्राइस में। उस पैकेट में इस तरीके के आपको काफी सारे सैशे मिल जाते हैं, तो आप उस तरीके से भी ले सकते हो। अगर आपने एक ही बार में पैकेट खरीद कर रखना है तो वो भी ज्यादा इजी रहेगा, ज्यादा सस्ता रहेगा आपको, तो वो भी आप खरीद सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको इन नेल्स की हेल्प से आज अपना नेल आर्ट कर दिखाने वाली हूं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। मैं इसे ओपन कर लेती हूं, तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। और एक चीज बता दूं दोस्तों, कि ये देखिए, इसके ऊपर भी डायरेक्शन ऑफ यूज लिखे हुए हैं, सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं कि कैसे आप इसे लगा सकते हो। तो ये देखिए, मैंने इसे ओपन कर लिया है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसके साथ आपको एक ग्लू भी मिल जाती है, ये देखिए, ये आर्टिफिशियल ग्लू मिल जाएगी आपको। और इस तरीके से इसमें नेल्स के सेट दिए हुए हैं, आई थिंक ये 10 है, तो आप अपने फिंगर के अकॉर्डिंगली, जो भी आपके फिंगर पर सेट बैठता हो, आपने उसके अकॉर्डिंगली इसे लगाना है। और इन नेल आर्ट को करने के लिए गाइज, आपको इन नेल्स की जरूरत होगी और एक नेल पेंट और नेल फाइलर, तो आपके पास जोन सा भी नेल फाइलर हो उसे आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर मेरे पास एक नेल पेंट है, आप अपनी पसंद का कोई भी नेल पेंट ले सकते हो। तो चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने लगाना कैसे है। सबसे पहले आपने अपनी फिंगर का जो साइज है वो चेक करना है, और आपने अपने नाखून का साइज चेक करना है कि ये आपके नेल्स पर फिट बैठना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, और आपको एक ही थोड़ा सा नजर आएगा, ये हर एक नेल्स में आपको इस तरीके से ही नजर आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप नेल फाइलर लीजिए और इस तरीके से इसे थोड़ा सा फाइल कर दीजिए, तो ये देखिए, ये रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसे अपने नेल्स पर लगाकर देखती हूँ, तो ये देखिए कि थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मेरे नेल्स पर। और अगर गाइस आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा नेल हो और आपके इस पर फिंगर पर सेट नहीं बैठ रहा है ना, तो प्लीज उसे मत लगाइएगा, वरना वो नकली सा लगेगा, अलग ही दिखेगा कि आपने फेक नेल्स लगाए हुए हैं। तो आप इसे थोड़ा सा घिस लीजिए साइडों से, मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से फाइल कर लेती हूं, तो ये आपकी फिंगर के अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा आपकी फिंगर पे इजीली। आपने एक एक फिंगर का चेक कर नेल्स लगाना है, तो ये देखिए, तो अब ये परफेक्टली सेट हो रहा है। और ये थोड़ा सा अजीब आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी तक ग्लू नहीं लगाई है, मैं जब ग्लू लगा लूंगी तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा मेरे नेल्स पर। तो ये देखिए, इसे मैं अलग रख लेती हूं, अब मैं इस फिंगर का चेक कर लेती हूं, तो ये देखिए, ये भी आपको काफी बड़ा दिख रहा होगा। और शेप आप अपने अकॉर्डिंगली भी दे सकते हो, जैसी भी आपको शेप पसंद हो, राउंड शेप पसंद है या आपको कोई और शेप पसंद है, तो आप उस तरीके से भी दे सकते हो। तो मैं इसे भी चेक कर लेती हूँ और थोड़ा सा इसे नेल फाइल कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने आपको यहां पर लगाकर दिखाया, अभी तक मैंने ग्लू नहीं लगाई है, बाकी ये सभी नेल्स मेरी फिंगर के अकॉर्डिंगली सेट बैठते हैं, आप देख सकते हो, और शेप के अकॉर्डिंगली भी। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि मेरे हाथ में है ये ग्लू, और इस ग्लू का मैं लिड अगर ओपन करती हूँ तो इस तरीके से ये अच्छे से सील्ड है,
सील्ड पैकिंग में है और ये जो आप इसके अंदर देख रहे हो एक पिन बनी हुई है इसके लिड के अंदर, तो हमें इसे इस तरीके से उल्टा कर आपने इसे जोर से दबाव डालना है तो इसमें होल हो जाएगा और ये देखे इस तरीके से आप ग्लू निकाल सकते हो। उसके बाद आप इसे लिड लगाकर रखना है अपने अच्छे से टाइट कर ताकि ये जो इसकी ग्लू है वो सूखे ना। तो चलिए मैं इसे अपने नेल्स पर लगा लेती हूँ। सो गाइज मैंने इसे कट कर दिया है क्योंकि बहुत दबाकर भी ये निकल नहीं रही थी, तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है वैसे, बट आप इसे काट कर निकालेंगे तो जल निकल आएगी। ये देखिए मैंने इसे फिंगर्स पर लगा लिया है और इस तरीके से मैं इसे नेल्स पर लगा लूंगी। तो मैं यहां पर सबसे पहले लगाने जा रही हूं अपने अंगूठे का नेल और आपने इसे 2-3 सेकंड तक इस तरह से दबाकर रखना है ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए आपके नेल्स पर। इसी तरीके से आपने अपने नेल्स लगा लेने हैं। और गाइस आपको जो ये थोड़ा सा उठे उठे दिख रहे हैं ना, तो ये आपको नहीं दिखेंगे अगर आप इस पे नेल पेंट वगैरह लगा दोगे तो ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे क्योंकि अभी ये एकदम से सूखे नहीं है, तो 2-3 मिनट में ये ठीक हो जाएंगे फिर आपको ऐसे नहीं लगेंगे। तो इसे थोड़ा सा टाइम दीजिए, वैसे ही बहुत जल्दी सूख जाएंगे तो 2-3 मिनट में जब ये ड्राई हो जाएंगे फिर आपको थोड़े ठीक लगेंगे और नेल पेंट लगाने के बाद तो ये और भी अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि मेरे नेल्स भी अच्छे से सूख चुके हैं, मुझे ऐसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए मैं अब इस पर नेल पेंट लगा लेती हूँ। वैसे आप अपनी पसंद का कोई भी नेल पेंट यहां पर चूज कर सकते हो फ्रेंड्स, जो भी आपको पसंद हो। और ये नेल्स आपके नेल्स पर 7-8 घंटे तक रहेंगे। तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये बिल्कुल नेचुरल लग रही हैं। रिंग फिंगर में मैं ये वाला गोल्डन कलर अप्लाई करूंगी। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं नेल्स, मुझे वैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये वाले। सो गाइस ये देखिए मैंने अपने नेल्स पर नेल पेंट भी लगा ली है। तो ये देखिए आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी नेल आर्ट की और नेल एक्सटेंशन की, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। और मेरी इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। साथ में मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ दोस्तों कि आपको जो मेरी ओरिजिनल नेल्स नजर आ रही है वो इसलिए नजर आ रहे हैं गाइस क्योंकि मैंने कट नहीं किए थे, लेकिन अगर आप अपने ओरिजिनल नेल्स को कट कर आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ट्रिक, आया ना मजा मेरे नेल्स देखकर कि कितना अच्छे तरीके से आप अपने नेल्स को खूबसूरत बना सकते हो। तो आई होप आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो प्लीज गाइज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये ट्रिक कैसी लगी। सो एंड में मैं आपको एक चीज और कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आप वीडियोस देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, लाइक करते हो तो कमेंट नहीं करते, कमेंट करते हो तो लाइक नहीं करते, यार इतनी कंजूसी क्यों करते हो? आप इतने कंजूस तो नहीं हो, मेरी यूट्यूब फैमिली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो इतने कंजूस तो नहीं है कि लाइक और कमेंट में कंजूसी करें। और शेयर तो जरूर कीजिएगा गाइस ताकि आपकी तरह और लोगों की भी हेल्प हो सके, क्योंकि आपकी कमेंट देखकर मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है गाइस और लाइक से मुझे भी मिलता है कि हाँ मेरी वीडियोस को वाकई आप लोग पसंद कर रहे हो, सराह रहे हो, मेरी मेहनत को आप इतना लाइक कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो। तो आपके लाइक करने से सिर्फ इतना सब कुछ हो जाता है सिर्फ एक अंगूठा देने से। तो प्लीज गाइज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है गाइज। प्लीज 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 लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।